एक सपना सा लग रहा है कि लग ही नहीं रहा था कि ये हकीकत हो पाएगा, क्योंकि बचपन से हम सुनते चले आ रहे थे कि हमारा जो संभल है वो सतयुग के ज़माने का बना हुआ है, और सतयुग में जिस तरह से सुनते चले आ रहे थे कि त्रेता युग और हमारा द्वापर युग और उसके बाद कलयुग होगा, तो सिर्फ एक सुनते चले आ रहे थे। लेकिन आज हम बहुत मतलब भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि ये मैं स्वयं देख पा रही हूँ। आचार्य का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, आचार्य जी ने ही इस चीज़ के लिए पहल की है, और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जो आ रहे हैं और उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए तो संभल वासियों का कलिक जो हमारा एचौड़ा ग्राम है उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए महाराज जी की तरफ से इतना सौभाग्य दिन मिल पा रहा है। कलयुग में भगवान श्री कल्कि का क्या महत्व है और उनके अवतार के बारे में क्या बताया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग के अंतिम चरण में भी मैं संभल नाम की धराधाम पर निष्कलंक रूप से विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर अवतरित होकर के आताताइयों का नाश करूँगा और धर्म की स्थापना करने के लिए आऊँगा। तो वही कल्कि भगवान के कल्कि धाम की स्थापना करने जा रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, जो कि 19 फरवरी को देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समस्त धार्मिक महत्व बताएं मंदिर का और भगवान का। मंदिर का इतना महत्व है कि कल्कि भगवान के मंदिर में जो भी आया है उसकी हमेशा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, और ये जो अपना कल्कि भगवान का जो अवतरण है जो 10 अवतारों में मुख्य है। मंदिर में 10 गर्भगृह क्यों होंगे, उसका क्या महत्व है? 10 गर्भगृह इसलिए होंगे कि अब तक जो 9 अवतार मुख्य रूप से हो चुके हैं उनके, और प्रधान कल्कि भगवान का, तो इसलिए 10 जो है गर्भगृह बनाई जा रहे हैं। धर्म के तौर पर कलयुग में कितना महत्व है, क्योंकि धर्म ही सबसे ज़्यादा लुप्त होने की कगार पर ऐसा कहा जाता है कलयुग में होता है, तो इसके लिए क्या महत्व हो? कहा गया धारयते इति धर्मः, धर्म की स्थापना और धर्म के लिए बताया गया है कि संसार में जो है जो धर्म से जुड़ करके रहे हैं और धर्म में जो लिप्त हैं धर्म ही उनकी रक्षा करता है। कहा गया धर्मो रक्षत रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म को अपनाएंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता रहेगा। उनके अश्वों के बारे में, बाकी सारी उनकी भंगिमाओं के बारे में या उनके अस्त्रों के बारे में बताएं। जब भगवान कल्कि आएंगे तो दुधारू तलवार उनके हाथ में होगी, दोनों तरफ धार होगी, और अश्व और खड़क को धारण करके आएंगे, और जो स्थान पर जन्म अवतरित होंगे वो संभल नाम की मुख्य धराधाम होगी, और उसके दिशा दक्षिण में गंगा बह रही होगी, और उसमें 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे। वो इतिहास में श्रीमद् भगवत महापुराण में, कल्कि महापुराण में, विष्णु महापुराण में, शास्त्रों में बताया गया है, और वो मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत ही संभल नाम के मुख्य ग्राम का जिक्र किया गया है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु श्री कल्कि का अवतार लेकर कलयुग में अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग में संभल इलाके में ही होंगे क्योंकि दक्षिण में गंगा नदी बह रही होगी, इसलिए ये माना जाता है कि इसी इलाके में उनका जन्म होगा। लेकिन जन्म के बाद कैसे ये पता लगेगा कि यही कल्कि के अवतार हैं? इसकी भी कई भंगिमाएं हैं। पहला माना जाता है कि वो अपने श्वेत अश्व देवदत्त के ऊपर सवार होंगे। दूसरा ये कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और परशुराम खुद उन्हें आकर शस्त्र देंगे और माता वैष्णो देवी उनके चरणों में पद्म के रूप में अवतरित होंगे।
अगर आप कल्की धाम आएंगे तो आपको एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, लेकिन महत्व एक छोटे से मंदिर की नहीं है, महत्व उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा और उस प्रक्रिया की है जिसे आज भी उसी तरह से रखा गया है। मैं इस समय मंदिर में हूँ जहाँ हर रोज इसी तरह से फूल चढ़ाए जाते हैं, फूल सजाए जाते हैं, मंदिर की सजावट की जाती है और ये प्रक्रिया पिछले करीब 15-20 वर्षों से लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि कानूनी मामले नहीं हुए या दांव पेच नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद एक आस्था और उस प्रथा को बरकरार रखने के लिए इस इलाके में हर संभव प्रयास किया गया है और आज भी उसे एक अन्य स्तर और बेहतर स्तर की मान्यता देने का पूरा प्रयास जारी है। बताइए मुझे, आपके लिए इस इलाके में क्या बदला है? रोज आप मंदिर में क्या काम करते हैं और आपके लिए क्या बदल रहा है? जी जी, हम डेली फूल लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बदलाव नहीं है, हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। अब मंदिर बन रहा है, उसके बदलने से, उसके बनने से क्या आपकी जिंदगी में, क्योंकि फूल लगाना कई वर्षों से कर रहे हैं, क्या आपको जिंदगी में कुछ बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? बेहतर हुआ है, क्योंकि हम जब काम करेंगे, मंदिर बनेगा तो वहाँ भी डेली फूल लगेगा, तो हमारे लिए तो बेहतर ही होगा। राजनीति भी होती है धर्म के आधार पर, आप धर्म में ही काम कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? हमारे लिए तो बेहतर देखते हैं गुरु जी, हमारे लिए आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो उन्होंने हमें किसी निगाह से गलत से देखा हो, सही देखते हैं इस तरह से। मोदी सरकार पर तो कई सवाल उठते हैं इसको लेकर, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो ठीक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए इतनी बढ़िया सरकार है, प्रधानमंत्री बढ़िया है और हमारे मुख्यमंत्री जो बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से आपका काम फूल लगाते हैं, पहले कितना था, कितने वर्षों से लगा रहे हैं, अभी क्या बदला है? 15-17 साल हो गए हमें काम करते हुए सर यहाँ, और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा। अब हमारा मंदिर बन रहा है, अब हमें उसमें भी फूल लगाने का मौका मिलेगा। आज हम छोटे मंदिर में, अपने पुराने मंदिर में फूल लगा रहे थे, आज हम नए मंदिर में फूल लगाएंगे। ये कहा जाता है कि धर्म के आधार पर मोदी सरकार में राजनीति होती है, कैसे देखते हैं इन सारी बातों को आप? राजनीति से हमारे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो जितने धर्म है सबके अनुकूल है उनका मामला, सब बढ़िया, कभी इस नज़रिए से वो देखते ही नहीं है कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। और जैसे एक गुरु होना चाहिए, वो हमारे ऐसे गुरु हैं कि कभी भी धर्म के प्रति ना ही राजनीति करते हैं, और जो लोग धर्म के प्रति राजनीति करते हैं उन्हें भी वो सीख देते हैं, क्योंकि गुरु जी का जो उपदेश होता है वो मार्गदर्शन बढ़िया होना चाहिए, वो उनका उद्देश्य है। जैसे हमारे मोहम्मद साहब थे, वैसे ही ये भी उसी के लिए करते चले आ रहे हैं, उन्होंने भी धर्म के लिए अपना जो है सारा जीवन लगाया मोहम्मद साहब ने, ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं, ये भी अपना धर्म के लाइन में लगा रहे हैं सारी ज़िंदगी, उन्हें इसी काम में धर्म के लिए ही हो गई। भगवान श्री कल्की का मंदिर जितना दिव्य होगा उतना ही भव्य होगा। विश्व का एकमात्र मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे, क्योंकि 10 अवतार के विष्णु के स्वरूप उसमें बैठे होंगे। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि मंदिर की स्थापना के समय 9 नदियों का जल, 12 ज्योतिर्लिंग से आई हुई मिट्टी और करीब 9 तरह के और 9 इलाकों से आए हुए गुलाब के पत्थरों का भी इस्तेमाल होगा। भगवान श्री कल्की के मंदिर की स्थापना होने जा रही है, या यूं कहें एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। कितनी बड़ी बात है ये, और किस तरह से कलयुग के लिए क्या भगवान विष्णु के अवतार की ये शुरुआत हो गई है? देखिए, पुराणों का उद्घोष है, पुराणों में इसका उल्लेख है कि हर युग में भगवान धरती पे आता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस उद्घोषणा से दूसरी उद्घोषणा को जब हम देखते हैं, मिलाते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बड़ा विलक्षण कार्य है, बड़ा अद्भुत कार्य है। श्रीमद् भागवत का ही एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना,
भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, यानी भगवान का अंतिम अवतार संभल ग्राम में होगा, विष्णुयस नामक ब्राह्मण क्या होगा। तो जहाँ कल्कि धाम अनूठा क्यों है, दुनिया में बहुत धाम है लेकिन कल्कि धाम सबसे अद्भुत क्यों है, इसलिए है, उसके दो कारण हैं। पहला कि दुनिया के जितने धाम हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आया, आने के बाद ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। दूसरा मनोज्ञा ये देखो, ये धाम का एक मॉडल है। दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने धाम हैं उनमें भगवान के एक एक गर्भगृह है। यदि भगवान राम के धाम जाएंगे तो राम जी का गर्भगृह, कृष्ण जी के जाएंगे तो भगवान कृष्ण का गर्भगृह, अगर आप माँ वैष्णो के धाम जाएंगे तो वैष्णो देवी का, दुर्गा का गर्भगृह, हनुमान जी के, हनुमान जी, बाकी सब छोटे छोटे प्रतीक के रूप में स्थापित है। कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम होगा, पहला, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो भगवान के जो 10 अवतार हैं उनमें से 9 स्वरूपों का दर्शन, पूजन, अर्चन करके फिर अंत में कल्कि का दर्शन होगा। इसके लिए भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह वाला ये जो श्री कल्कि धाम है, जिसकी आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं। मुलाकात हुई है तो कुछ बात भी हुई होगी, क्या बात हुई ये भी बता दें। सच मानो तो कुछ बातें हुई और कुछ मौन की भाषा। ये बड़ा अद्भुत दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है, पौराणिक और धार्मिक आध्यात्मिक जगत की ये तिथि स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, 19 फरवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 को भगवान जहां आए अयोध्या में, उनका मंदिर बन करके तैयार हुआ, और 19 फरवरी को सुबह 10 बजे भारत के प्रधानमंत्री जी होने वाले अवतार भगवान श्री कल्कि नारायण के धाम की आधारशिला रखेंगे। ये जो युग है ये पूरे सनातन का युग होगा। बड़ा सनातन का युग आपने कहा, बट मुरादाबाद या पूरा इलाका अगर आप देखें तो एक सवाल उठता है कि बहुत सारी मुस्लिम आबादी है यहाँ पर और उसके बीच में इस मंदिर का बनना, किस तरह से देखते हैं राजनीति को? मुझे लगता है कि कोई भी सूफी संत महात्मा ऋषि मुनि या अवतार और पीर पैगंबर फकीर किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं आता, किसी एक जिले के लिए, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, ना किसी एक कौम के लिए आता, ना किसी एक कम्युनिटी के लिए आता। वो आता है तो पूरी वसुधा के लिए आता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे भारत के सनातन का उद्घोष क्या है? विश्व बंधुत्व, अयम निजे परो वेत गणना लघु चेत साम उदार चरितनानंतु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा कुटुंब है, तो मंदिर जो आप बना रहे हैं इसकी विशेषता क्या होगी? कहाँ से मिट्टी आ रही है, कहाँ से जल आ रहा है, जनता जानना चाहती है कि क्या है विशेषताएं? सभी देश के प्रमुख संतों से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जहाँ भगवान का अवतार होगा उस अवतार से होने से पहले ही श्री कल्कि धाम की स्थापना हो रही है, तो श्री कल्कि धाम के गर्भगृह में सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी, पावन मिट्टी, और सभी प्रमुख नदियों का जल, सप्तपुरी की मिट्टी, ये सब लाई जा रही है, और श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा उसकी जो कूर्मशिला है, जो आधारशिला बोलते हैं, जो मध्य में स्थापित होगी, उसका विधि विधान से पूजन किया जा रहा है। जहाँ भगवान का गर्भगृह होगा
उसको पंच गव से उसकी साज सज्जा लिपाई पुताई कराई जा रही है। देश के प्रमुख आचार्यों के द्वारा उसका पूजन, उसका वंदन होगा। वो शिलाएं आ चुकी हैं, उनका पूजन जारी है और फिर लगभग 4.5 से 5 वर्ष की अवधि में श्री कल्की धाम बनकर के अपने स्वरूप को उपलब्ध होगा। और मूर्ति की क्या विशेषताएं होंगी, जो अभी कल्की धाम की मूर्ति है क्या वो उत्सव मूर्ति बन जाएगी, विग्रह में क्या विशेषताएं? अभी भगवान श्री कल्की पीठ, जो कल्की पीठ में भगवान विराजमान है, ये यहीं रहेंगे। कल्की पीठ यही रहेगी। कल्की धाम में भगवान का नया विग्रह होगा। जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी कल्की धाम के शिलान्यास की तरह भव्य और दिव्य होगी। जब आप मंदिर की बात करते हैं तो विशेषताएं, क्योंकि कल्की धाम ऐसा नहीं है कि अभी का है, लेकिन 2024 में कल्की धाम के महत्व में क्या अंतर आ गया है? 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ था। 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना था, लेकिन एक दिन पहले 6 नवंबर 2016 को उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। 7 साल का लंबा संघर्ष, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री कल्की धाम पर लगी हुई रोक हटाई गई। और यह भी एक संयोग है, मैं सोचता था 7 सालों से, मैं सोचता था कि अखिलेश यादव जी ने बहुत गलत काम किया। जहां भगवान आएगा उसका धाम बन रहा, उस पर पाबंदी लगा दी। कभी कभी मन दुखी होता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार इस कल्की धाम के निर्माण पर रोक ना लगाती तो इसकी आधारशिला रखने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आते। तो मैं अखिलेश जी को भी उनकी सरकार के द्वारा किए गए उस गुनाह के लिए क्षमा करता हूँ। अखिलेश यादव जी को कांग्रेस के नेताओं को न्योता भेज रहे हैं? सबको। मैंने आदरणीय सोनिया जी को भी आमंत्रित किया है, मैंने खड़गे जी को भी आमंत्रित किया है, मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित किया है। अब सबको निमंत्रण तो राम मंदिर का भी गया था, सबको श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का भी निमंत्रण गया है। आना ना आना उनके ऊपर निर्भर करता है। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का साक्षी बनना सौभाग्य का विषय है। कांग्रेस से आपको पत्र आया कि अब आप कांग्रेस के ही सदस्य नहीं रहेंगे, 6 वर्षों तक के लिए आपको नमस्ते कह दिया गया है। मैं शब्दों का चयन सोच समझ कर रही हूँ, आपकी भावनाएं क्या हैं? पहली बात, मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला। मीडिया से सूचना मिली, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ा उपकार किया कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर कि मुझे मुक्ति दी और एक नव सृजन के संकल्प के लिए मैं मुक्त हुआ। मैं आनंदित हूँ, मैं भावुक हूँ कि परमात्मा ने शायद इस धरती पे मुझे इस दिन के लिए ही भेजा था, मुझे निमित्त बनाया है भगवान के धाम को बनाने का। भगवान का धाम बनाना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ना किसी पार्टी का काम हो सकता है, ना किसी संगठन का काम हो सकता है। भगवान का धाम वही बना सकता है जिसे भगवान चुनता है। राजनीति में भी आपको चुना गया, हालांकि हर समय परिणाम पक्ष में नहीं रहा, इस बार 2024 के चुनाव में क्या आपको चुनाव के मैदान में देखेंगे? आज के शुभ दिन में राजनीति में बात नहीं करना चाहता, 19 के बाद दिल खोल के बात करेंगे, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आज 19 फरवरी श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह के प्रति मैं समर्पित भी हूं और संकल्पित भी हूं। कितने लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा महोत्सव होने वाला है? 10,000 से ज्यादा संतों के आने की सहमति आई है।
देश के कोने कोने से संत आ रहे हैं और देश के कोने कोने से लाखों भक्त आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है देश, भारत के प्रधानमंत्री को देखना चाहता है, भारत के प्रधानमंत्री को श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखते हुए देखना चाहता है। पूरी दुनिया में जो भारत का नाम रोशन कर रहा है, ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमें नरेंद्र मोदी मिला है। विपक्ष का आरोप रहता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धर्म का आधार लेकर चुनाव की राजनीति करते हैं, आप कैसे देखते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों पर तुम ध्यान न देना। फिलहाल ये बात तो सत्य है कि 19 फरवरी को इतिहास रचने जा रहा है और उसके साथ साथ कई ऐसे पन्ने इस अध्याय में जुड़ जाएंगे जो विश्व पटल पर गुंजायमान होंगे। आपकी क्या अनुभूति है कल्कि धाम और ये पूरी प्रक्रिया? ये एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो एक हमारे छोटे छोटे बच्चों में औरों में आज ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि धर्म को नहीं मान रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। तो ये जब यहाँ पर एक आस्था केंद्र बनेगा, इसमें आएंगे, इसमें दर्शन करेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे, यहाँ के लोग भी आएंगे, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत जागृति मिलेगी, धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ेगी, और जब धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उनका ठीक विकास भी होगा, चरित्र निर्माण भी होगा। मंत्री के इसमें उनके शामिल होने से क्या कोई अंतर पड़ेगा? बिल्कुल, वाई नॉट, यानी देश के प्रधानमंत्री इस ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं तो इस पूरे क्षेत्र का तो कायाकल्प होना है। एक भावना होती है कि जब कोई हमारा बुजुर्ग, हमारा कोई ईष्ट देव कोई भी हो, वो जब आता है तो एक आस्था अपने आप जुड़ जाती है, लोग अपने आप पीछे पीछे होते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा मानने लगते हैं। अगर अकेले में कोई बात हो तो इतना वो महत्व नहीं रखती है, और जहाँ पर कोई हमारे ऐसे लोग आए जो बहुत मान्य सम्मान्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चार चांद लगेंगे, यहाँ पर्यटन स्थल बनेगा और ये भी जो मंदिर बन रहा है ये भी एक यादगार मंदिर होगा। मैं तो इसे राजनीतिक घटना ही मानता हूँ, लोकसभा चुनाव हैं और उनका आने से उनको लगता होगा कि प्रभाव पड़ेगा। मैं तो किसानी विश्व मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इसे इस दृष्टि से सोचता हूँ कि हमारे सहपाठी हैं, हमारा गांव है, अगर कल्कि धाम बनेगा तो हमारे इलाके का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। इससे अभी भी कंडीशन ठीक हुई है, प्रधानमंत्री अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ गाँव में विकास की योजनाएँ भी आ सकती हैं। मैं तो इसे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ, मैं रास्ते को मैं मंदिर में ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से इलाके का विकास होने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी, ये मैं मानता हूँ। दो तरह से देखना समझना चाहते हैं आपसे, एक राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है ये पूरी, और दूसरा मंदिर बन जाने से क्या जिंदगी में? नहीं, मंदिर बन जाने, यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र में कोई मंदिर था भी नहीं और इसकी पिछले 14-15 साल से काफ़ी डिमांड थी और स्टे होने की वजह से नहीं बन पाया था, तो अब स्टे भी हट गया और आचार्य जी जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कह के इसका शिलान्यास करा रहे हैं, इससे क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा और इससे शिक्षा का भी, हमारे यहाँ कोई बड़ा महाविद्यालय नहीं है तो उसका भी कोई ना कोई निर्माण होगा क्योंकि और सीट पे भी जो है इससे चुनाव में बहुत लाभ होगा। किसका? भारतीय जनता पार्टी का, आचार्य जी के आने से काफ़ी लाभ होगा। मंदिर बन जाने से राजनीति पे क्या असर पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है ये, 80% ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान वोटर्स हैं, कैसे देखते हैं इसको? मंदिर बनने से जो है इस क्षेत्र का एक तो विकास होगा, दूसरा जो है बहुत पहले से ये करते आ रहे थे गुरुजी कि मंदिर बनाएंगे आह्वान कर रहे थे, लेकिन वो समय आ ही गया कि जो है अब शिलान्यास 19 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और राजनीति का जहाँ तक सवाल है, माइनॉरिटी सीट ज़रूर है लेकिन पिछली बार बसपा और सपा मिलकर वोट चुनाव लड़े थे तो चुनाव सीट जीती थी, इस बार मायावती जी कह रही हैं कि हम अलग लड़ेंगे तो उसका इस बात से बहुत असर इस सीट पर पड़ेगा बीजेपी की, पूरे चांस 99% चांस लोकसभा संभल बीजेपी के जीतने के हैं। क्या लगता है क्या बदलेगा मंदिर बन जाने से और धर्म से इसको राजनीति को कैसे जोड़ते हैं? जो श्री आचार्य जी हैं वो पिछले 18 वर्ष से इस कार्य में लगे हुए थे और उन्होंने जो पूरा हमारा कल्कि धाम वासी हैं, जो संभल वासी हैं, उन्होंने ही इसको सारे जो जनमानस हैं उनको एक सूत्र में प्रोहा, और श्री कल्कि धाम का जो अब शिलान्यास होने जा रहा है, मेन जो सारा कार्य है शुरू पिछले 18 वर्ष से, उसका श्रेय
हम सभी लोग श्री आचार्य जी को ही देंगे, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही 18 वर्ष से यहाँ पे हवन कुंड कराना, लोगों को जोड़ना, लोगों को एक पूजा पाठ भावना से जोड़ना, जो सभी का धर्म होता है, और मतलब ये ऐसा करके चले हैं कि जिससे कि जनमानस को और हमारे जो भी कल्कि धाम क्षेत्र है उसको ही नहीं, पूरे जनपद संभल का ही विकास होगा इससे, और यहाँ के युवाओं को, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के आने से क्या अंतर पड़ेगा जो ये उनका आ रहे हैं यहाँ पर शिलान्यास करने? प्रधानमंत्री जी के आने से ये फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, आज तक ऐसा हुआ नहीं है 1947 से लेकर अब तक कि कोई प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हों, लेकिन संबल की धरा पर और श्री कल्कि धाम की पुण्य धरा पर उनका आगमन, एक ये विश्व का पहला मंदिर है जो बनाया जा रहा है और उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से होगा, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इस कार्य से जो युवाओं को भी ऊर्जा मिलेगी और उनसे आने वाले समय में बहुत लोग एक अच्छे एक संत के रूप में, प्रधानमंत्री जी को मैं कहूँगा कि वो एक संत का रूप है, वो खाली प्रधानमंत्री जी तो हैं ही जो एक प्रशासनिक पद होता है, लेकिन वो दूसरा जो उनका रूप है वो एक संत का है। हम सभी युवा उन्हें संत के रूप में ही मानते हैं, और अब जो हमारी थोड़ी दूरी भी थी वो हमारे आचार्य जी ने, जो एक स्वयं में खुद संत हैं, तो 18 साल पहले तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम यही देखते आ रहे हैं कि आचार्य जी ने सभी को एक सूत्र में बांध के और प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो भी चीज़ें रखनी थी उनको मना। मेरा नाम अंकुर त्यागी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कलयुग में श्री कल्कि धाम में पिछले 2 दशकों से पूजन अर्चन होता रहा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन की लड़ाई नहीं रुकी, कभी राज्य सरकार से तो कभी किसी और से तो कभी अदालत में जाकर। लेकिन इन सारे दांवपेच के बाद अगर कुछ हुआ है तो अब एक ऐसा मुहूर्त आया है जब कल्कि धाम की स्थापना भी होगी और भगवान के अवतरण के पहले ही एक मंदिर बनकर तैयार होगा, जो कि विश्व में अपने आप में पहली बार हो रहा होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। लेकिन ये तो मंत्रोच्चारण है, सत्य तो ये है कि श्री कल्कि देव के मंदिर के साथ जैसे ही उनकी स्थापना होगी, उसके बाद कल्कि धाम के साथ एक और बड़ा और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। इस मंदिर की विशेषता ये होगी कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे, जो कि विश्व में अपने आप एक पहले किसी मंदिर में होंगे। लेकिन इस मंदिर में रखी हुई मूर्ति यही रहेगी, नए मंदिर में नया विग्रह होगा, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व होगा। तुलसी का पौधा एक होता है, लेकिन उसकी विशेषताएं अनेक होती हैं। हर घर के आंगन में आपको दिख जाएगा, और ये इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर जगह मिलता है, राम के दरबार से लेकर विष्णु के दरबार तक। लेकिन इस बार 19 फरवरी को इन्हीं पौधों के साथ हर साधु संत का सम्मान किया जाएगा, और हर साधु संत को श्री कल्कि धाम की ओर से यही तुलसी के पौधे दिए जाएंगे, जिससे जहां एक ओर वसुधैव कुटुंबकम की बात पूरे विश्व तक जाए, तो वहीं दूसरी ओर कल्कि धाम को और भी ज़्यादा विख्यात किया जा सके। अगले कुछ वर्षों में, करीब 5 वर्ष बाद, जब कल्कि धाम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये मंदिर कितना भव्य होगा उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। उसकी वानगी ये है कि करीब 11 फीट ऊंचा तो इसका चबूतरा होगा, और 5 एकड़ में फैले इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, यानी कि विष्णु के 10 अवतार होंगे। मध्य में होगा शिवलिंग, उसके साथ श्री कल्कि के दर्शन आपको तब होंगे जब आप सारे अवतारों के दर्शन करके अंदर तक पहुँचेंगे, क्योंकि वही मूल भगवान है। चल विग्रह, अचल विग्रह, उत्सव मूर्ति भी रहेगी। मंदिर की ऊंचाई करीब 108 फीट होगी, जो कि एक शगुन का नंबर माना जाता है, और उसके ऊपर होगा ध्वज। मंदिर की खासियत यह है कि इसे अलग अलग पत्थरों से बनाया जाएगा, जिसमें गुलाबी पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पर उसके साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि करीब 68 भगवानों की मूर्तियाँ वो भी यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। तो एक मंदिर में आपको विश्व भर के सारे ब्रह्मांड के कई देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे, सिर्फ श्री कल्कि धाम में ही।
ये वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करेंगे। यही वो स्थान है जहां पर गर्भगृह बनेगा श्री कल्की धाम का। कल्की धाम का गर्भगृह यहां पर पहले पूजन अर्चन के बाद जो पूरी प्रक्रिया होगी उसको यहां पर किया जाएगा। उसके बाद यहीं से प्रधानमंत्री जाएंगे बगल में बने हुए इस टेंट पर, जहाँ पर भाषण होगा, जहाँ पर संबोधित करेंगे यहाँ आने वाले हजारों लाखों लोगों को। ये पहला मौका होगा जब देश का प्रधानमंत्री कल्की धाम में, उसकी स्थापना में या फिर यहाँ इस इलाके में किसी को भी संबोधित करेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि एक ओर जहां पूजन अर्चन है, पूजन अर्चन में ये ध्यान रखा जा रहा है कि चारों ओर इसको घेरा जाएगा, यहीं पर पूजा होगी, यहीं पर करीब एक घंटे का ये समय अवधि होगी जिस दौरान यहां पर पहले कल्की धाम की मंदिर की स्थापना हो जाएगी और कलयुग में श्री कल्की धाम के महत्व के साथ इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कल्की धाम, ABP News। Thank you.